हम आपको प्रीवियस क्लास क्या पढ़ाए थे बाबू, कौन सा कंग्रेंसी पढ़ाए थे? दो गो ट्राइंगल बाबू, दो गो ट्राइंगल, मान लो ये ट्राइंगल है बाबू, एक ट्राइंगल ये है, ए बी सी है सर, ए बी सी है और डी ई एफ है, तो इसमें हम क्या बताए थे, साइड एंगल साइड, यही कंग्रेंसी बताया था ना बाबू, दो गो ट्राइंगल बाबू कब कंग्रेंट होगा, कब कंग्रेंट होगा, जब ट्राइंगल का दो गो साइड और उसके बीच वाला करस्पॉन्डिंग एंगल, मान लो ई साइड, ए बी साइड, डी ई साइड और बी सी साइड, ई एफ साइड और इसके बीच वाला एंगल, अगर अगर आपस में इक्वल हो जाते तो ट्राइंगल को क्या कहेंगे, कंग्रेंट कहेंगे, ये बताएं, एस कंग्रेंसी बताएं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग यहाँ दो गो साइड है ना, बीच वाला एगो एंगल है ना, अब हम लोग पढ़ेंगे दो गो एंगल और बीच वाला एगो साइड। नेक्स्ट कंग्रेंसी क्या है, दो गो एंगल और बीच में क्या रहेगा, साइड रहेगा, मतलब क्या रहेगा सर, ए एस ए कंग्रेंसी। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए एस ए करेंगे, प्रीवियस क्लास में थ्योरम हमने कंग्रेंसी का बताया, ऐसे एस कंग्रेंसी बताया था, मतलब दो गो साइड और बीच वाला क्या, एगो एंगल। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो गो एंगल और बीच वाला एगो साइड है ना, तो इसी को कहते हैं बाबू एंगल साइड एंगल क्रिटेरिया। ए एस ए का मतलब क्या हुआ, एंगल साइड एंगल क्रिटेरिया है ना, एंगल साइड एंगल क्रिटेरिया। तो इसमें क्या कहेगा बाबू, आपको प्रूफ करना बाबू कि दो गो ट्राइंगल बाबू, दो गो ट्राइंगल है ना, दो गो ट्राइंगल, आपको क्या प्रूफ करना बाबू, प्रूफ करना बाबू कि दूगो ट्राइंगल क्या होगा, कंग्रेंट होगा, कंग्रेंट होगा, कब सर, कब सर, जब उसका दूगो साइड, मतलब दूगो एंगल, जैसे मान लो ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ, इसका एंगल बी और एंगल ई आपस में बराबर है, आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ क्या है, कंग्रेंट है, कब, कब, जब एंगल बी एंगल ई आपस में बराबर हो, एंगल सी एंगल एफ आपस में बराबर हो, आई दोनों बीच के, ये दोनों एंगल के बीच वाला साइड ई वाला है ना, ई वाला ना, बी सी बराबर क्या हो जाए, ई एफ हो जाए, ई एफ हो जाए, अगर इतना दे दे तो आपको प्रूफ करना है कि क्या है, ट्राइंगल क्या होगा, कंग्रेंट होगा, कंग्रेंट होगा, है ना, कंग्रेंट होगा। तो हम तो अभी कंग्रेंसी एक के गो पढ़े, अभी हम तो कंग्रेंसी एक के गो पढ़े किए, एस से एस पढ़े, अभी हम कौन सा कंग्रेंसी पढ़े, एक के गो ना पढ़े, एस से एस। तो इसी की सहायता से, एस से एस की सहायता से ही, हेल्प से ही हम लोग ए एस ए वाला प्रूफ करेंगे, एस ए एस की सहायता से ही हम लोग कौन सा कंग्रेंसी प्रूफ करेंगे, ए एस एस वाला, एस ए एस आपको बताए हैं, हाँ सर प्रीवियस क्लास में तो बताए थे, तो इसी की हेल्प से हम लोग क्या प्रूफ करेंगे बाबू, ए एस एस वाला है ना, ए एस वाला एंगल साइड एंगल, ये क्या साइड एंगल साइड, ये क्या एंगल साइड एंगल है ना, एंगल साइड एंगल है ना, ठीक, इसी को हमको प्रूफ करना, प्रूफ करना, देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो कोई भी ट्राइंगल बाबू कंग्रेंट कब होता है, कंग्रेंट कब होता है, अब समझो ये दोनों ट्राइंगल बाबू, ये दोनों ट्राइंगल कंग्रेंट कब होगा सर, एस एस में क्या होगा, एस एस में क्या होगा, अगर ये दोनों ट्राइंगल बाबू एस एस से कंग्रेंट सिद्ध कर देते हो, ये दोनों ट्राइंगल को अगर एस एस क्रिटेरिया पर अप्लाई कर देते हो, आपस में क्या हो जाएगा, कंग्रेंट हो जाएगा, यही होगा ना, तो देखो क्या करा, तो वही करा, टू ट्राइंगल आर कंग्रेंट बाबू इफ टू एंगल्स आर इंक्लूडेड साइड, दो गो ट्राइंगल कंग्रेंट कब होगा, जब दो गो एंगल, दो गो ट्राइंगल का दोनों एंगल, ये दोनों एंगल और उसका इंक्लूडेड साइड, मतलब उसका बीच का साइड इक्वल होगा टू द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, टू द करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब दूसरे ट्राइंगल का एंगल बी यहाँ है तो एंगल, दूसरा एंगल भी यहाँ होना चाहिए, इसी पोजिशन पर होना चाहिए, घुमा नहीं देना, घुमा नहीं देना। फिर नेक्स्ट बाबू, टू दी बाबू, टू दी बाबू, टू दी बाबू इंक्लूडेड साइड, जैसा एंगल बी यहाँ, इसका एंगल ई यहाँ, एंगल सी यहाँ, एंगल ए यहाँ, और ये ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बी सी है ना, तो दो ट्राइंगल का अगर करस्पॉन्डिंग एंगल, दो एंगल आएगा बीच वाला साइड अगर इक्वल है तो क्या होगा, कंग्रेंट होगा, है ना, यही आपको क्या करना, प्रूफ करना, यही आपको क्या करना, प्रूफ करना, प्रूफ करना, देखो कैसे करोगे। तो इसमें बाबू, इसमें बाबू अगर हम क्या करते हैं सर, ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ है, हाँ सर है तो सर, तो देखो एगो साइड दिया हो ना, बी सी दिया हो कि नहीं, बी सी बराबर ईएफ दिया हुआ कि नहीं दिया, क्वेश्चन में दे दिया, गिवन क्या क्या कह रहा है, शांति समझना, बी सी बराबर क्या कह दिया, ई एफ कह दिया, बी सी बराबर ई एफ कह दिया, और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दिया हुआ, एंगल कौन सा सर, बी सी ए और एंगल ई एफ डी, ये एंगल अगर दिया हुआ तो हमको दो एगो एंगल एगो साइड, ऐसे तो एगो क्या दिया हुआ, एस एस में तीन, ये भी एंगल दिया हुआ, ये भी एंगल दिया हुआ है ना, तो हमको क्या प्रूफ करना, हमको पहले आपको ये एस एस क्रिटेरिया अप्लाई करना, हमारे पास कंग्रेंसी का तो एक अभी क्रिटेरिया पढ़े, एस एस पढ़े, तो एस एस पढ़ेंगे तो वही ना अप्लाई करोगे जी, वही ना उसी के बारे में सोचोगे ना बाबू, जो पढ़े उसी के बारे में सोचोगे, तो एस एस में क्या होगा, दो साइड एगो एंगल, तो एगो ई साइड ले लो, एगो ई साइड ले लो, ले लिए सर, कोई दो साइड ले सकते हो, ठीक, एगो ई साइड ले लिए बाबू, तो इसी के करस्पॉन्डिंग साइड ई एफ वाला ले लिए, ये वाला एंगल एगो ले लो, ये वाला एंगल ले लो,
बी सी बराबर ई एफ कहाँ से सर? दिया हुआ क्वेश्चन है, मैं कह दिया बाबू बी सी बराबर ई एफ, एंगल बी सी ए, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये एंगल बी सी ए अब ई एफ है, कहाँ होगा? आपस में बराबर होगा। कैसे सर? दिया हुआ सर आशीर्वाद, क्या भगवान पहले शुरू से आशीर्वाद करके भेज दिए हैं, है ना? दिया हुआ सर। ये बी सी ई एफ आपस में दिया हुआ सर, बी सी ए ई एफ डी आपस में क्या दिया हुआ? दिया हुआ। तो एगो एंगल मिल, एगो साइड मिल गया, एगो एंगल मिल गया। अगर ई वाला साइड, अगर ये वाला साइड ए सी, अगर ए सी साइड और एफ डी साइड अगर बराबर आप सिद्ध कर देते, ए सी बराबर अगर एफ डी अगर सिद्ध कर देते, तो यहाँ एस एस क्रिटेरिया नहीं लगा दोगे? नहीं लगा दोगे? अरे मेरे साइड बी सी ई एफ दिया हुआ है, ई वाला एंगल दिया हुआ है, कम दे दिया भगवान, क्वेश्चन में जाकर दे दिया, जा दे दिए। तो अगर ये वाला साइड, ये वाला ए सी साइड और ए एफ साइड, ए सी साइड और ए एफ साइड यदि आप बराबर सिद्ध कर दे, तो किसी भी तरह से मर्डर करके कुछ करके, तो यहाँ एंगल साइड एंगल एस एस क्रिटेरिया लग गया, तो ट्रायंगल क्या होगा? कंग्रेंट हो जाएगा। बस आपको अल्टीमेटली इसमें सिद्ध क्या करना है, ई साइड दे ये दिया, ई एंगल दे दिया, तो आपको सिद्ध कर देते हो बाबू। यदि आप किसी भी तरह से ए सी बराबर क्या डी एफ अगर प्रूफ कर देते हो, तो फिर उसके बाद साइड एंगल साइड क्रिटेरिया से ट्रायंगल क्या होगा? कंग्रेंट हो जाएगा। तो आपको किसका खेला करना, तमाशा आप क्या करना है, खाली ए सी बराबर डी एफ प्रूफ करने के लिए ही इतना सारा तमाशा करना है बस। ये जो इतना बाबू में तमाशा किया गया, खेल खिलाया गया, किसके लिए? खाली इसी शैतान के लिए। यही एक और अच्छा से दानव है, इसी दानव को बाबू बराबर करने के लिए इतना नौटंकी रचा गया, ए सी बराबर डी एफ करने के लिए ही इतना सारा नौटंकी किया गया, नौटंकी किया गया बस, और कुछ नहीं किया गया। यही एक और अच्छा से यही शैतान है। एगो तो साइड दे ये दिया सर, एक साइड दे ये दिया, एंगल दे ये दिया, एंगल दे ये दिया, एगो साइड और बराबर कर दोगे ऐसे क्रिटेरिया से, ट्रायंगल मेरा क्या हो जाएगा? कंग्रेंट हो जाएगा। तो अब इसी इसी का नाच देखना, इसी का बहुत तमाशा देखना, ए सी और डी एफ का, ठीक। अब समझो ए सी और डी एफ बराबर कब होगा, अब यही सोचना है आपको। देखो तो ए सी बराबर डी एफ यदि आप सिद्ध कर लेते बाबू, तो आपका काम तमाम हो जाएगा। तो देखो ए सी बराबर डी एफ कैसे सिद्ध करोगे, यही समझो। तो ए सी बराबर डी एफ में क्या हो सकता है? तीन केस हो सकता है, यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है सर। यहाँ से इस केस में पॉसिबिलिटी ले आ जाता है, ए एस ए क्रिटेरिया में पॉसिबिलिटी माना जाता है, नहीं मानोगे तो नहीं सिद्ध होगा। एस एस क्रिटेरिया में क्या माना जाएगा? पॉसिबिलिटी माना जाएगा। केस मानेंगे, तीन केस मानेंगे। पहला केस क्या मानेंगे सर? जब ए सी बराबर डी एफ, अरे बाबू ये दोनों बराबर होगा, यहाँ पे तीन केस हो सकता है ना जी। एक केस में क्या हो सकता है कि ए सी बराबर डी एफ हो जाए, ठीक। दूसरा केस क्या हो जाए, वो डी एफ छोटा हो जाए। यहाँ पे बाबू ये दोनों साइड क्या हो सकता है, या तो बराबर हो सकता है सर, छोटा हो सकता है सर, नहीं तो बड़ा हो सकता है। यही तीन केस है ना बाबू, वही तीन केस को आपको एक्सप्लेन करना है बस, और कुछ नहीं करना। बहाना बनाया गया, बात बना दिया गया, बात बना दिया। आपको हम क्या करें, ये ए सी जो साइड है डी एफ साइड है, तो या तो ये बराबर होगा, और नहीं तो ये वाला जो साइड है डी एफ साइड क्या होगा, छोटा होगा, या तो क्या होगा डी एफ साइड क्या होगा, बड़ा होगा। यही तीन गो केस होगा और कुछ नहीं होगा। तो पहला केस वही लिए बाबू, एज्यूम किए तीन गो पॉसिबिलिटी। पहला मान लेते बाबू जो ए सी है, ये जो सी ए है, सी ए है चाहे सी लिखो, सी ए और डी एफ क्या, एफ डी क्या बराबर मान लेते। पहला केस हम लोग क्या मानेंगे कि सी ए बराबर क्या मान लेंगे, एफ डी मान लेंगे। दूसरा केस में क्या करेंगे सर, देखो कुछ छोटा मान लो, एफ डी को छोटा मान लो। तीसरा केस में क्या करेंगे सर, एफ डी को बड़ा मान लेंगे। किस से सर? सी ए से, सी ए से। और तीनों केस में बाबू हम ये सिद्ध कर देंगे बाबू, तीनों केस में ये सिद्ध कर देंगे बाबू, है ना, कि ये जो पॉइंट है बाबू इसी पे क्या करेगा, कौन साइड कर जाएगा, कौन साइड कर देगा, तो आपका काम तमाम हो जाएगा, है ना। बस देखो हम क्या करें, हम कुछ नहीं करें, शांति समझना। इस ट्राइंगल को बाबू आपको दिया हुआ है, ट्राइंगल का दो एंगल दिया, एक साइड दिया, इसको कंग्रेंसी सिद्ध करना। हमारे पास एक के थ्योरम में है सर, कौन सा सर, एस एस क्रिटेरिया ही है। तो ऐसे एस क्रिटेरिया लगाने के लिए वो साइड क्या होना चाहिए, दो साइड एगो एंगल होना चाहिए। तो एगो साइड दे दिया सर, बी सी बराबर ई एफ हमको दे दिया सर, एगो एंगल ई एंगल सी एंगल एफ दे दिया सर। एगो अगर ये साइड अगर बराबर सिद्ध कर देते हो, तो ऐसे एस क्रिटेरिया से ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कंग्रेंट हो जाएगा। तो इसी ट्राइंगल को बाबू, इसी साइड को बराबर सिद्ध करने के लिए, बराबर प्रूफ करने के लिए, ए सी बराबर डी एफ बराबर प्रूफ करने के लिए ही, है ना बाबू, हमको इतना सारा नाचना चाहना, इतना सारा नाचना चाहेगा एक बोर्ड में, और कुछ नहीं किया गया। वीडियो ऑन करो बाबू, ठीक। अब देखो कैसे प्रूफ करो बाबू, इसमें तीन केस होगा। या तो बाबू क्या होगा, ए सी से बाबू डी एफ क्या होगा, बराबर होगा, या छोटा होगा, या बड़ा होगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा।
तो पहला केस मान लेते हो ए सी बराबर कितना डी एफ मान लेते हैं, ये और ये आपस में बराबर मान लेते हैं। तो पहला केस में बाबू जब ए सी और डी एफ अगर आपस में अगर बराबर मान लोगे बाबू, बराबर मान लोगे, बराबर मान लोगे बाबू, तो जब बराबर मान लिया शैतान तो दिक्कत क्या बाबू। तो इन दिस केस पहला केस यही मान लो, तीन गो केस ले लो जी, बस कुछ नहीं किया, केस वन लिया गया बाबू, यहाँ से ये केस टू और केस थ्री हो गया, एक दो तीन हो गया, बस यही तीन गो एक्सप्लेन करना और कुछ नहीं करना, इसी में एक घंटा लगता है, क्या किया जाए। तो इसको मैसूज छोड़ के जा सकते थे। तो पहला केस हम लोग क्या ले लेंगे सर, एसी, एसी बराबर एफडी क्या बराबर ले लेंगे। तो जैसे एसी बराबर अगर एफडी बराबर ले लिया, सी और एफडी आपस में बराबर ले लिया, तो ये साइड बराबर दे है सर, एंगल बराबर दे है सर, और ये क्या होगा, ये आपस में क्या होगा, बराबर मानिए लिया, तो ट्रायंगल क्या होगा, ऐसे ऐसे कंग्रेंट हो गया, ऐसे ऐसे कंग्रेंट हो गया, है ना, एक केस तो यही बनेगा ना। तो वही किए सी ए बराबर क्या किए एफडी किए, सी ए बराबर क्या किए एफडी किए, तो बीसी बराबर ईएफ कैसे सर दिया हुआ है क्वेश्चन में, भगवान आशीर्वाद देके भेजे जाओ, बस क्वेश्चन में दिया हुआ बी सी ए ई एफ डी, बी सी ए ई एफ डी आपस में ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल है, कहाँ से दिया हुआ है, एक हमने जंक्शन मानिए लिया सी ए बराबर एफ डी मान लिया, मान ली तो बाबू ऐसे ऐसे क्राइटेरिया नहीं हो गया बाबू, यहाँ से ए साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्राइंगल क्या हो गया, कंग्रेंट हो गया, ट्राइंगल क्या हो गया, कंग्रेंट हो गया, बस पहला केस हो गया आपका। दूसरा केस में आपको क्या करना है, दूसरा केस में क्या मान लो कि सी ए क्या मान लो साइड बड़ा है, दूसरा केस में हम लोग क्या मानेंगे सर, सी ए साइड क्या बड़ा है, अरे शैतान दो गो केस होगा, तीन वो होगा, एगो बराबर होगा डी ए, नहीं तो छोटा होगा बड़ा होगा, यही तीन वो को मानना है और कुछ नहीं करना है। तो दूसरा केस में हमने क्या माना सर, दूसरा केस में बाबू क्या माने, सी ए बड़ा हो गया एफ डी से, सी ए बड़ा हो गया किससे एफ डी से, एफ डी से सी ए बड़ा हो गया एफ डी से, तो सी ए मेरा यही ना मेरे लाल, यही क्या हो गया चारों के चारों, इनको अजीब मूड को खराब कर देता, चारों के सब एक बार सूख गया, सी ए मेरा यही है। तो दूसरा केस हमने क्या माना सर, मन से पढ़ना है सी ए क्या है बाबू, ये सी ए, तो सी ए क्या मान लिया बड़ा मान लिया किससे सर, एफ डी से, एफ डी से बाबू सी ए बड़ा है, सी ए का जो साइड है बाबू क्या है बड़ा है, एफ डी से, एफ डी से, एफ डी से, बात समझो, हमने क्या माना यहाँ से सी ए बड़ा एफ डी माना, तो मतलब ये सी ए का जो लेंथ है ज्यादा है एफ डी से, तो जब एफ डी से ज्यादा बाबू तो एफ डी का लेंथ क्या होगा छोटा होगा, अरे मेरे लाल सी ए ज्यादा है एफ डी से तो एफ डी, एफ डी क्या होगा छोटा होगा, तो जो डी पॉइंट होगा मान लो, अब पहले यहाँ पे पॉइंट डी था, यहाँ पे पॉइंट डी था, अब ये पॉइंट घसा के कहीं नीचे आ जाएगा तब ना छोटा है, अरे शैतान ई वाला साइड बड़ा है, ई वाला साइड बड़ा है, ठीक, तो अबरी बाबू ये जो ट्राएंगे पहले एक्चुअल में इतना लेंथ था है ना, ये वाला साइड बड़ा, तो डी वाला पॉइंट कहाँ होगा एफ और डी के बीच में कहीं यहाँ लाई करेगा, अब इसको भूल जाओ, ऐसे हो जाएगा ए सी बाबू बड़ा है ना बाबू एफ डी से, पहला दूसरा केस यही, दूसरा केस यही हो सकता है बाबू की ए सी बड़ा हो गया, तो ये एफ डी पॉइंट अभी यहीं कहीं लाई करेगा इस तरह से, है ना, हाँ सर हाँ सर हाँ सर, ठीक। अब जब इस तरह से लाई करेगा बाबू, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें अब इस ट्राइंगल में चलेंगे, है ना, इस ट्राइंगल में चलेंगे बाबू, इस ये जो एक्चुअल देखो एक्चुअल पॉइंट डी मेरा यहाँ पे, एक्चुअल डी पॉइंट यहाँ पे, लेकिन क्या कर रहा है सर सी ए क्या कर रहा है सर बड़ा है एफ डी से, तो अब जो ट्राइंगल बनेगा कुछ इस तरह से बन जाएगा, अब जो ट्राइंगल बनेगा क्या बन जाएगा ई एफ या डी डैश ई एफ बन जाएगा, सी ए बाबू बड़ा है बाबू, तो डी जो पॉइंट होगा यहाँ पे जो पॉइंट डी था वो नीचे कहीं आ जाएगा, तो उस पॉइंट को हमने मान लिया डी डैश, पॉइंट को क्या मान लिया डी डैश मान लिया डी डैश, तो अब ये ट्राइंगल क्या बन जाएगा डी ई एफ डी डैश ई एफ बन जाएगा और ए बी सी बन जाएगा, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग डी ड्रा ए सी, हम लोग क्या किया बाबू ए सी, बाबू ए सी बराबर एफ डी डैश, ए सी बराबर क्या किया एफ डी डैश हमने ड्रा किया, तो अब हम लोग ट्राइंगल क्या लिख सकते हैं बी सी, ये साइड तो बराबर है ही है सर, बी सी बराबर ई एफ सर, ये एंगल तो बराबर है ही है सर, और क्या हो जाएगा ए सी ये सी ए बराबर क्या हो जाएगा एफ डी डैश हो जाएगा, पहले पॉइंट मेरा लाल डी यहाँ पे था, अब बाबू जब ये पॉइंट ये सी बड़ा हो गया, ये जब लाइन छोटा हो गया तो ये पॉइंट घसक के डी डैश यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, समझा, तो अब कौन सा ट्राइंगल ए बी सी और डी डैश ई एफ आपस में क्या होगा कंग्रेंट होगा, कैसे सर नीचे वाला साइड बराबर है ही है सर, ये एंगल में कोई छेड़छाड़ नहीं है वो सर, आई वाला साइड ज़ूम कर लिए कि एफ डी डैश ए सी क्या है बराबर है, तो वही किया सी ए बराबर क्या एफ डी डैश किया जंक्शन से, तो ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा कंग्रेंट होगा डी डैश ई एफ के, ट्राइंगल ए बी सी ए बी सी कंग्रेंट डी डैश ई एफ का, अब शांति से समझना है, जब ये दोनों ट्राइंगल बाबू इसको अभी भूल जाओ,
ये ट्रायंगल ए बी सी डी ई डी डैश ये आपस में क्या है, कंग्रेंट है, कंग्रेंट है, कंग्रेंट है ना, कंग्रेंट। तो जब कंग्रेंट होगा तो ये एंगल बी और एंगल ई आपस में इक्वल नहीं होगा बाबू, ऐसे सिक्योरिटी ऐसे बाबू, अगर ट्राइंगल कंग्रेंट है बाबू तो सीपी सीट सीटी लगाएगा ना, कोरस्पॉन्डिंग बाबू, कोरस्पॉन्डिंग सीपी सीटी थ्योरम बताया था ना बाबू, है ना। तो अगर ये एंगल बाबू, ये एंगल देखो, ये ए बी सी और डी डैश ई एफ के आपस में कंग्रेंट हो गया, हाँ सर, तो कंग्रेंट हो गया तो ये एंगल बी और एंगल ई आपस में बराबर नहीं हो जाएगा, हाँ सर। तो वही लिखे एंगल ए बी सी बराबर क्या, डी डैश ई एफ, डी डैश ई एफ आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, कैसे सर, बाई सी पी सी बाबू, है ना। कांग्रेंस सी पी सी, कांग्रेंस क्या होता है बाबू, कांग्रेंस पॉइंट क्या होता है, कांग्रेंस पार्ट, कांग्रेंस पार्ट, कांग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल, कांग्रेंस पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स, कांग्रेंस पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल आर क्या होता है, इक्वल होता है। तो एंगल क्या हो गया, बी और एंगल ई आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन 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 अब यहीं पे समझना, एक पॉइंट समझ गया, हो गया खेला खत्म। लेकिन बाबू, लेकिन बाबू, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ मेरे लाल, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में बाबू, कि एंगल बी तो एंगल ई के बराबर है, ये है, समझो समझो समझो, थ्योरम क्या दिया हुआ बाबू, कि एंगल बी बी सी ए, एंगल क्या दिया, ए बी सी, ए बी सी और डी ई एफ आपस में क्या है बाबू, बराबर है, बराबर है। यहीं पे समझना, बस यहाँ पे समझना, खेला खत्म, यहाँ पे समझ गया, खेला खत्म हो गया, है ना बाबू, खेला खत्म हो गया, इनको सूख गया जी। पता नहीं कैसे सूख जाता, वो लिखा ये रहा था ना जी, 1 मिनट ढक्कन खुला रह गया, सूख जाएगा। ठीक बाबू, देखो खाली तमाशा करना, हम क्या सिद्ध किया सर, ए बी सी ये वाला, ए बी सी ये एंगल और डी डैश सी आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ सर, ए बी सी और क्या बाबू, क्या बाबू मेरे, डी ई एफ आपस में क्या है, आपस में क्या है, इक्वल है, इक्वल है। अरे मेरे लाल, ए बी सी और डी डैश ई एफ, डी डैश ई एफ हमने कंग्रेंसी से सिद्ध किया आपस में इक्वल है, और क्वेश्चन में क्या कर रहा, ए बी सी और डी ई एफ आपस में क्या बराबर है। तो दो गो एंगल बाबू, ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये बराबर तभी ना होगा मेरे लाल, बराबर तभी ना होगा, वो जो जब पॉइंट डी क्या करेगा, डी क्या करेगा, डी डैश क्या करेगा, डी पे कोइंसाइड करेगा, समझो। यहाँ पे देखो सैतान, समझो कुछ नहीं करना, एक एक थ्योरम में आप लोग टाइम लगा दी, यहाँ समझ गया, मामला खत्म हो गया। हमने क्या किया, आपको सिद्ध कर दिया कि ट्रायंगल एबीसी और डी डैश ईएफ आपस में क्या है, कंग्रेंट है, कंग्रेंट है, कंग्रेंट है, कंग्रेंट है, कंग्रेंट है। जब कंग्रेंट है बाबू तो एंगल ई और एंगल ई डैश आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, एंगल ई और ई आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना, इक्वल हो जाएगा, ठीक, इक्वल हो जाएगा। देखो क्या है, कुछ नहीं है, एक ट्रायंगल बना बाबू, एक ट्रायंगल बना, इतना मेहनत करना बेकार है जी। ये क्या हो गया सर, ट्रायंगल ए हो गया सर, बी हो गया सर, सी हो गया, ई वाला हो गया, दूसरा ट्रायंगल क्या हो गया सर, यहां से हमने एक पॉइंट लिया डी डैश, इसको अभी भूल जाओ, एक डी डैश लिया सर, एक क्या लिया बाबू, डी डैश लिया, यह डी डैश हो गया बाबू, ई हो गया, ई एफ हो गया। अब क्या करा, एंगल बी और एंगल ये बराबर है, मतलब एंगल ए बी सी बराबर क्या हो गया, डी डैश ई एफ बराबर है, ठीक। ये कैसे सर, कंग्रेंसी से हमने सिद्ध किया, हमने कंग्रेंसी से सिद्ध किया, ए बी सी डी डैश ई एफ, ए बी सी और डी डैश ई एफ आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, बराबर हो गया, ठीक, बराबर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में यह हुक्म दिया कि एंगल बाबू ए बी सी और डी एफ बराबर है, यहाँ पे डी डैश है और एंगल ए बी सी, ए बी सी और डी डैश ई एफ, यहाँ क्या था, डी ई एफ दिया होता है, डी पॉइंट मेरा कहाँ था, डी पॉइंट बाबू, डी पॉइंट कहीं इधर होगा वो, क्यों, क्योंकि सर हमने जंक्शन माना बाबू कि डी मेरा क्या, डी डैश छोटा है तो डी पॉइंट इसका कहीं इधर लाई करेगा, शांति से समझना, डी पॉइंट मेरा कहाँ लाई करेगा, कहीं इधर बाबू, कहीं इधर डी पॉइंट लाई करेगा जी, कहीं इधर डी पॉइंट लाई करेगा ना बाबू मेरे, हाँ सर, ठीक, कहीं इधर डी पॉइंट लाई करेगा कि नहीं, है ना सर,
इधर डी पॉइंट लाई करेगा कहीं, तो अब क्या करा, एक बार एंगल बी और ये एंगल ई आपस मान लो एंगल वन हो गया, बराबर है। अब क्वेश्चन में क्या करा कि ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी और डी एफ, डी ई एफ, ई वाला एंगल, ई वाला एंगल, ई के बी के बराबर ई भी एंगल है और बी के बराबर ई एंगल है, दोनों एंगल बराबर। तो ये दोनों एंगल, एंगल ए का एंगल दो बराबर कब होगा, बात समझो। अरे मेरे शैतान, ए बी सी और डी डैश ई एफ, डी डैश ई एफ एंगल नंबर एक कंग्रेंसी से सिद्ध किए है ना कि बराबर है। आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा, थ्योरम में क्या दिया हुआ कि एंगल डी ई एफ आपस में बराबर हो गया। तो ये दोनों एंगल आप बराबरे बोल रहे हो बाबू, ये दोनों एंगल एक एंगल दो बराबरे बोल रहे हो, तो ये बराबर तभी ना होगा बाबू, तभी ना होगा मेरे लाल, जब पॉइंट डी बाबू पॉइंट डी घसक के यहाँ पे आ जाएगा। ये एंगल ए का दो बराबर कब होगा सर, कब होगा सर, जब पॉइंट डी डैश घसक के डी पे आ जाएगा, मतलब कोइंसाइड कर देगा, पॉइंट डी डैश क्या हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, है ना, कोइंसाइड कर जाएगा, पॉइंट डी डैश क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। जब पॉइंट डी डैश इस पे कोइंसाइड कर जाएगा, तो हम लोग नहीं कह सकते बाबू ए सी बराबर कितना हो जाएगा डी एफ हो जाएगा, ए सी बराबर कितना हो जाएगा डी एफ हो जाएगा। तो वही लिखा, इट इज ओनली पॉसिबल बाबू घन बाबू, डी एंड डी डैश क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, डी और डी डैश क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक। केस थ्री, अभी हमने क्या लिया बाबू, छोटा लिया, ए सी का बड़ा लिया, डी ए क्या लिया, डी एफ क्या लिया, छोटा लिया। अभी ए सी को छोटा ले लो और एफ डी बड़ा ले लो, दूसरा केस में क्या करेंगे, अभी क्या करो बाबू, ए सी को क्या ले लो, ए सी को छोटा ले लो और डी डी एफ डी को बड़ा ले लो। तो जब एफ डी को बड़ा ले लो बाबू, क्या क्या, एफ डी बड़ा ले लिया, बड़ा ले लिया, बड़ा ले लिया, है ना, एफ डी बड़ा ले लिया, ठीक। सेकेंड केस मेरा क्या बाबू, एफ डी क्या, एफ डी क्या बाबू, बड़ा, एफ डी बड़ा। अब यहाँ संतेश समझना, जब एफ डी साइड बाबू बड़ा हो जाएगा, एफ डी बाबू साइड बड़ा हो जाएगा बाबू, सी ए क्या छोटा है। केस नंबर टू बाबू, केस नंबर टू बाबू, केस नंबर टू से था, केस नंबर टू बाबू, इनका सब कहा हुआ जी, सी ए अभी क्या बाबू छोटा, पहला केस में सी ए बड़ा ले लिया, दूसरा केस में क्या बाबू, दूसरा केस में क्या, केस सी ए क्या ले लिया, छोटा ले लिया, छोटा ले लिया, छोटा ले लिया। इतना जल्दी कैसे सूख जाता जी, समझ में नहीं आता, ठीक। अब बाबू एफ डी क्या हो गया सर, एफ डी क्या हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। सी ए क्या है, छोटा है, एफ डी बड़ा है। तो एफ डी बाबू, यही ना मेरा एक ट्राइंगल था बाबू, ई एफ डी में ट्राइंगल, एक्चुअल ट्राइंगल ई वाला है, कौन सा सर, डी ई एफ, एक्चुअल ट्राइंगल मेरा कौन सा है, डी ई एफ, ठीक ठीक बाबू, ठीक बाबू, है ना बाबू, ठीक। अब बाबू क्या कह रहे हैं बाबू, अब इसको क्या करो, एक बार नीचे एक्सटेंड किया बाबू, एक बार इसको क्या करो, नीचे एक्सटेंड किए, अभी एक डी डैश पॉइंट कहाँ ले लेंगे, ऊपर ले लेंगे, डी डैश पॉइंट क्या ले लेंगे, ऊपर ले लेंगे, ऊपर ले लेंगे, है ना बाबू, ऊपर ले लेंगे, ठीक। तो अब इस केस में बाबू, इस केस में क्या हो जाएगा, कौन सा ट्राइंगल चलेंगे, ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो कौन सा लाइन है, डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन है, डी डबल डैश। अब इस ट्राइंगल में चलो, ए बी सी और डी डबल डैश ई एफ में चलो, ठीक, ए बी सी बाबू और डी डबल डैश ई एफ में चलो, डी डबल डैश ई एफ में चलो। बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ, बी सी बराबर ई एफ क्या दिया, दिया हुआ बाबू, बी सी बराबर ई एफ क्या किया, दिया हुआ, दिया हुआ, दिया हुआ, है ना, दिया हुआ, ठीक बाबू, अच्छी बात है सर, अच्छी बात है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, BC बराबर EF दिया हुआ और ये एंगल आपस में दिया हुआ, ये एंगल आपस में दिया हुआ, फिर हमने क्या किया बाबू, हमने क्या किया, एफ डी डबल डैश एक लाइन ड्रा किया बाबू, जो क्या हो जाए, सी ए के बराबर हो जाए, एफ डबल डी डैश एक लाइन ड्रा किया बाबू, जो क्या हो जाए, सी एफ के बराबर हो जाए। तो सी ए बराबर क्या कर दिए, एफ डबल डैश डी कर दिए। जैसे ये कर दिया, तो ये ट्राइंगल अगर भूल जाते, ये पॉइंट डी भूल जाते, एक्चुअल पॉइंट भूल जाओ, तो भूल जाओगे, तो ए बी सी और डी डबल एस ई एफ क्या होगा, आपस में क्या हो जाएगा, कंग्रेंट हो जाएगा। कैसे सर, साइड हो गया, एक साइड हो गया सर, एक एंगल हो गया सर, एक ये वाला साइड हो गया, आपस में कंग्रेंट हो गया। तो जैसे ट्रायंगल एबीसी और डी डैश, डी डबल एस ई एफ आपस में कंग्रेंट हो गया, है ना, ये वो क्या हो गया, कंग्रेंट हो किससे सर, एस एस से, एस एस से, तो एस एस से कंग्रेंट हो गया बाबू। तो एंगल ए बी सी, एंगल डी डबल एस ई एफ, ये वाला एंगल, अभी इसी को क्या मान लो बाबू, अभी इसी को क्या मान लो, डी डबल डैश मान लो, यहाँ पे इसको क्या मान लो, डी डबल डैश मान लो, डी डबल डैश मान लो, है ना, डी डबल डैश मान लो, ठीक ठीक। तो अभी वही बात है, अभी यहाँ भी वही बात है बाबू, वही बात है, कुछ नहीं है, ये एंगल, ये ए बी सी और डी डबल डैश ई एफ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हो सर, ए बी सी और डी एफ आपस में क्या है, बराबर है। मतलब कहने का मतलब वही, वो यहाँ से बाबू, यहाँ से ये दो नंबर आएंगे, डी डबल डैश ई एफ, इसको भूलो थोड़ा देर के लिए, तो D डबल डैश F कौन सा, दो नंबर एंगल हो गया, दो नंबर एंगल हो गया, और एक्चुअल पॉइंट कहाँ, कहीं D यहाँ पे होगा, एक्चुअल पॉइंट D कहीं कहाँ होगा, वो यहाँ पे होगा। अब इसको यहाँ से मिला दो,
ये हो गया एक नंबर एंगल। तो कह रहा बाबू ये दो नंबर एंगल एक नंबर एंगल बराबर है, बराबर है, कैसे सर? कंग्रेंसी से सिद्ध कर दिया। तो ये दो नंबर एक नंबर एंगल बराबर तभी होगा बाबू, तभी होगा बाबू जब ये जो डी डैश पॉइंट है बाबू ये शिफ्ट होकर क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, कौन साइड होगा, कौन साइड होगा, कौन साइड होगा। तो वही किए बाबू एबीसी बाबू, इट इज ओनली पॉसिबल बाबू डी और डी डबल वाई सेफ क्या होगा, कौन साइड होगा। तो हम लोग यहाँ सारे से निष्कर्ष निकाल रहे हो, सारे से कंक्लूजन निकाल रहे हो, जो ये पॉइंट डी है, ये जो पॉइंट डी है बाबू, एक बार डी डबल डैश एक बड़ा लिया एक छोटा लिया, सारे के सारे जगह पॉइंट कहाँ लाई करा, एक ही जगह पे लाई करा, एक ही जगह पे लाई करा, इसलिए बाबू ए सी बराबर क्या होगा डी एफ हो जाएगा। यहाँ से इसमें बाबू तीन को कैसे पढ़ना रहता आप लोग को बाबू, स्कूल वगैरह में देगा नहीं प्रूफ करने के लिए बाबू, क्योंकि टीचर सबको अपने नहीं आता तो कहाँ से प्रूफ करने के लिए देगा, है ना, कंग्रेंसी वगैरह नहीं है प्रूफ करवाता, है ना। ठीक है, इसका यूज कहाँ, इसका यूज कहाँ, इसका यूज देखो, तो इसमें हम लोग नहीं ये समझ में आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, खाली आपको क्या रखना कि कंग्रेंसी होता है, एस कंग्रेंसी होता है, एस कंग्रेंसी होगा ना, और इसी को बाबू को इसी को याद रखते बाबू हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जैसे वो क्वेश्चन दे देते, वो क्वेश्चन दे देते हैं, इसको करके लाना, टाइम हो गया बाबू, वो क्वेश्चन जल्दी से लिख लो, इसको करके लाना। क्या बाबू दिया बाबू, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है बाबू, लिटरेचर नहीं लिखाते, लिटरेचर नहीं लिखाते, जल्दी 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 लिखो, जल्दी जल्दी, टाइम हो गया बाबू। एबीसी क्या दिया, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ, एक एबीसीडी क्या दिया, क्वाड्रिलेटरल दिया, क्वाड्रिलेटरल दिया, क्वाड्रिलेटरल। कल इस पे हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेंगे, फिर अगला कंग्रेंसी बता देंगे, अगला थ्योरम बता देंगे, ठीक। ये क्या दिया हुआ, एबीसी एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ, एबीसी क्या दिया, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ, डी दिया हुआ, ये एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ, ध्यान देना ये क्या दिया हुआ, एक एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है ना, एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ, प्रूफ करना बाबू क्वेश्चन बाबू, इसको बना के लाना। इफ बाबू शैतान हुआ क्या, इसको इतना इंक डाल रहे हैं ये बाबू, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, लेटरल है, ठीक ठीक है बाबू, एसी बाइसेक्ट एंगल है, एसी बाबू बाइसेक्ट कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा, बाइसेक्ट बाबू एंगल ए एंड एंगल सी, ठीक ठीक बाबू, मतलब ये एंगल बराबर है और ये एंगल आपस में क्या बराबर है, है ना बाबू, तो प्रूफ करना बाबू, प्रूफ डेट बाबू ए बी बराबर ए डी हो जाएगा एंड सी बी बराबर कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, यही आपको प्रूफ करना, कुछ नहीं बाबू, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल दिया बाबू, ये एंगल आपस में बराबर दिया, ये एंगल बराबर दिया, ये एंगल बराबर दिया, तो आपको प्रूफ करना बाबू, है ना, ए बी बराबर ए डी, एस आई डी एस एल बराबर होगा, बी सी बराबर बी सी डी, कौन सा क्राइटेरिया लगाओगे बाबू, एस एस वाला क्राइटेरिया लगा दोगे, ऊपर वाला ट्रायंगल ले लो, नीचे वाला ट्रायंगल ले लो, क्राइटेरिया लगा लो, ठीक है समय बाबू, जाइए उसका शैतान उसका क्लास स्कूल रहता है, सोचो तो बाबू 6-10 मिनट में बेचारे स्नान ध्यान करके स्कूल 6:15 में भागती है, 6 छोड़ बे किए 6 बजे गए, यहाँ बच्चे को चाहिए 7 बजे जाता है जब बाबू स्कूल क्लास नहीं करता, कि नहीं अनसी अनुष्का, अनुष्का ए बोली कनिष्का 7 बजे जाती है वो फिर भी क्लास नहीं करती है, तो वो सब कभी आगे बढ़ेगी वो, इसीलिए तो -2 +2 में दिक्कत है। जो बच्चे जितना मेहनत करेंगे बाबू, जितना सेक्रीफाइस करोगे उतना आगे बढ़ोगे, सीधा सी बात है, आप रहो चाहे हम रहो, सीधा सी बात है, टीचर है मेहनत रहे, हाँ बोले का फोटो भेज दीजिए, तो कोई भी आदमी बाबू जितना मेहनत करेगा उतना आगे बढ़ेगा, आलसी बनोगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है बोले भेज रहे हैं बाबू, ये लाइन नहीं दिख रहा होगा आपको, आप लोग टाइम पे आने की कोशिश कीजिए बाबू, बाकी सबका तो अभी एग्जाम चल रहा है।
लिखे बोले लिखे 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 ए शैतान, क्या उसको बोलते हैं बाबू? शिवम शैतान, शैतान ट्रिगो ट्रिगोवा पढ़ लेता तो अनपच हो जाता जी, एक बार में नहीं समझ में आता तो दोबारा फिर पढ़ाते तो अच्छे से समझ में आ जाता ना जी। बाय फिर। ठीक है बाबू, जाइए बाबू।